यार वही तो अच्छे नहीं रहते तो हम क्या करें। देखो इस्लाम ये कहता है वो कैसे है वो जाने, हमने अपनी आखिरत के लिए लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है। दुनिया में कुछ कहे अल्लाह रसूल के साथ अपना मामला दुरुस्त होना चाहिए, इसलिए कि उसकी कब्र में आप नहीं जाएंगे, आपकी कब्र में वो नहीं आएगा। इसलिए हम अपनी कब्रों को बेहतर बनाए, अपनी आखिरत को बेहतर बनाए। कोई अपने साथ कैसा सलूक करे, अल्लाह के हबीब ने यह भी फरमाया जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, जो तुमको तोड़े तुम उसको जोड़ो। हुजूर ने फरमाया जो तुमको तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमसे नफरत करे तुम उससे मोहब्बत करो। मोहब्बत के मुकाबले में तो सभी मोहब्बत करते हैं, नफरत के मुकाबले में मोहब्बत करना ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। नफरत के मुकाबले में मोहब्बत कर, इसलिए कि मोहब्बत के मुकाबले में लोग कहते हैं गिव एंड टेक, कुछ दो तो कुछ मिलेगा, तो लेने देने वाला मामला तो रहता ही है। लेकिन यह इस्लाम है कि नफरत देने वालों को मोहब्बत दी जाए, जुल्म करने वालों को इंसाफ दिया जाए, दूर भागने वालों से कुर्बत इख्तियार की जाए। और हमेशा याद रखना जब भी नफरत और मोहब्बत की जंग हुई है तो जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है, नफरत ने कभी नहीं जीता है। और मोहब्बत करने वाला हमेशा ऊंचा सर करके चलता है और नफरत करने वालों के सर हमेशा नीचे रहते हैं। अगर इस मंजर को देखना है तो आप करबला में देख सकते हैं, हुसैन मोहब्बत लेकर के आए थे, यजीदी नफरत लेकर के आए थे। सर कटने के बाद भी हुसैन का सर नेजे पे ऊंचा था, सर काटने के बाद भी यजीदियों के सर नीचे थे। हुसैन ने बता दिया मोहब्बत देने वालों के सर हमेशा ऊंचे रहा करते हैं, और आज भी मौला हुसैन का सर ऊंचा है। नफरत वाले कहां गए, उनकी कब्रें कहां गई, मिट गए वो। इसीलिए मोहब्बत के सफीर बनो, नफरतों के दाई मत बनो। मोहब्बत तकसीम करो, नफरत देने वालों